सो जय हिंद एवरीवन। यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, पहले आप सभी को पता होगा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का एक रिक्रूटमेंट नहीं आ रहा है, बट इसी को लेके लाइक 5 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था कैंपेन टाइप में। कैंपेन क्या था कि सर रिजल्ट बताया जाए, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, पेपर्स जो बाकी हैं वो कराए जाएँ, न्यू रिक्रूटमेंट आएँ, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको भी चांसेस मिलें, तो इसी को लेके लाइक वो धीरे धीरे बढ़ाया गया। ठीक है, अपन भी उसमें एक से दो दिन शामिल थे और फिर अपन आ गए, लेकिन आज बेनीवाल सर और रामदेव सर और ये सभी सर हैं, ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पे अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे मिले और उन्हें ज्ञापन टाइप में दिया है, तो उनकी तरफ से लाइक रिस्पॉन्स आया। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, सर ने मतलब ये बोला है कि ऑलमोस्ट 30 to 45 डेज में मैक्सिमम आपको जितने भी रिक्रूटमेंट रुके पड़े हुए हैं लाइक एयरफोर्स का इनरोलमेंट हो गया, इंडियन एयरफोर्स एयरमैन का रिजल्ट हो गया, ठीक है, स्पेशली किसी भी बात करें, उन्होंने डिफेंस सेक्टर में बोला, डिफेंस सेक्टर में अब यही चीज़ें रुकी पड़ी हुई हैं, जैसे एयरफोर्स इनरोलमेंट आपका लगभग 2 साल होने आ गए, उसके बाद मतलब ज्वाइनिंग अब कब का हो जाता, रिजल्ट को 9 महीने हो गए, आर्मी की रिक्रूटमेंट 2-2 सालों से नहीं आई, इंडियन नेवी का में भी ऑनलाइन आने का प्रोसेस हो सकता है, कुछ भी ये सारा का सारा, ठीक है, आ सकता है ऐसा कुछ। सो ये आज बोला गया है अपने जो डिफेंस मिनिस्टर उनके द्वारा कि सर 30 to 45 डेज में अपना ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत कैंडिडेट लाइक ये बोला है TOD वाला, तो मैं आपको बता देता हूँ, TOD के बारे में मत सोचो यार, ठीक है, वो आएगा तो अपना अलग आएगा, उसका जो टूर ऑफ ड्यूटी होगा ना स्टार्ट होगा, मुझे लगता है अभी जो रिक्रूटमेंट चलने वाले हैं ना वो आपके नॉर्मल ही होंगे, और TOD आपका अलग से रिक्रूटमेंट आएगा, उसके लिए आपको जो जनरल रैली चलती हैं और एयरफोर्स का वो सब अपना चलता रहेगा, तो ये मत सोचो कि TOD भाई बहुत निगेटिव, वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने प्लान किया होगा ना, तो कुछ अलग बेसिस पे प्लान किया होगा कि हाँ, सो उसके बारे में अभी मत सोचो। आपका जैसे आर्मी पे जैसे एयरफोर्स का एग्जांपल ले लो यार, मैं आपको शॉर्ट में एक एग्जांपल देता हूँ भाई, 20 महीने की लाइक आपका ट्रेनिंग होता है एक्स ग्रुप का, 22 महीने का टेक्निकल में कुछ ऐसे ट्रेड्स का डिफरेंट टाइमिंग होता है, तो भाई 20 महीने अगर आपका ट्रेनिंग होगा, आपका लगभग मैं बोल लूँ तो लगभग 2 साल ट्रेनिंग होगा, तो क्या 1 साल ही आपसे जॉब कराएंगे? सिंपल सा, क्या आपको 1 साल ड्यूटी करने को मिलेगा? या फिर मैं कहता हूँ 100 लड़के मान लो जाते हैं, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 100 लड़के जाते हैं, 100 में से 85 को रोकेंगे, जैसा बोला गया टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब कि जो अच्छा करेगा 50 उनको रोक लेंगे, बाकी 50 को जाने देंगे, भाई 2 साल एक सोल्जर को तैयार करने में बहुत रुपया लगता है, ठीक है, तो ये वाला अभी एयरफोर्स और नेवी पे तो काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क है। अच्छा एक बात आप सभी को और शेयर कर देता हूँ, फिर अपने टॉपिक पे आके फिर बात करेंगे, आप सभी को एक अपडेट शेयर करना है, अनअकैडमी फ्री टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ भी चार्जेस नहीं पे करने, कोई भी क्लास लेनी है उसके लिए भी कोई भी चार्जेस पे नहीं करने, मतलब कुछ भी नहीं करना, अगर आपको पढ़ाई करनी है अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हैं, एज यू ऑल ऑफ नो, बिकॉज अनअकैडमी इज इंडिया टॉप लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हुए दिख जाते हैं, तो आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है, जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करना होगा, वहाँ पे आप मतलब अगर पहली बार जा रहे हो तो देख लीजिए टाइम टाइम से न्यू बैचेस वगैरह आते रहते हैं, बट आप फ्री पे पढ़िए ना, जब आपको लगे कि हाँ ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ये अभी अगर हम और पढ़ाई अपने को बूस्ट करना है देन आप उनके साथ में जुड़ सकते हो। अगर मान लो किसी टाइप का आपको प्लस करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करूँ कि प्लस करो, बट अगर आपको बेस्ट लगने लगे तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे अपना कोड आ सकता है ONLINED50 ऑनलाइन D50, इस कोड का यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स वगैरह अगर करना है, नहीं तो फिर मत करिएगा, ठीक है, फ्री में आपको क्लासेस मिलती हैं, आप इन क्लासेस को अटेंड करिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया कि और जैसे इंडियन नेवी का रिक्रूटमेंट को लेके भी कैंडिडेट्स का डाउट आ रहे हैं, भैया नेवी का रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, बस यही बात है, और मैं तो कहता हूँ भाई जल्दी आए चाहे लेट आए, अगर ऑनलाइन आ जाए तो सभी के बढ़िया मौका है बस। और एक बात और, आपका मेरा पर्सनल व्यू ये है कि क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसा कमेंट करे, भैया आप पर्सनल भी अपना बताया करो कि क्या लगता है, मेरे अकॉर्डिंग भाई और ये 45 दिन सर ने बोला है, 50 दिन बाद निकाल दें, 50 दिन बाद निकाल दें, लेकिन आपका रिजल्ट आपके फेवर में आना चाहिए, आपको रिलैक्सेशन लगभग जितना 2 साल का एयरफोर्स में, ठीक है, नेवी का भर्ती ऑनलाइन हो जाए तो भाई आपको फिर आप जहाँ पे स्टैंड करते हो वहीं पे रहोगे ना, बस थोड़ा सा टाइम जरूर आपका निकल गया बट एटलीस्ट आपको चांसेस तो मिलेंगे ना। ऐसे ही आर्मी वालों का है, उनको भी रिलैक्सेशन मिले लगभग 2 साल का, नेवी वालों को रिलैक्सेशन मतलब पेपर ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाए, अब जिनको ऑनलाइन का मौका नहीं मिला उनका मौका दिया जाए, एयरफोर्स में ये रिलैक्सेशन मिले, ये चीज़ मैटर करती है। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहले मेडिकल फिट नहीं होंगे, मतलब मेडिकल फिट थे अभी में भी अनफिट हो गए होंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा अपोजिट हो जाती है, बाकी
जो भी डिसीजन आए 30 डेज 45 डेज में आपके फेवर में आने चाहिए। बाकी आपको जो डाउट आ रहा हो, आपको जो भी समझ में ना आ रहा हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करिएगा, तो मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, यहाँ पे सारे सारे अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो देखो राजनाथ सर को ज्ञापन सौंपा गया, मैंने आप सभी को टेलीग्राम पर इन्फॉर्म भी कर दिया था, जो भी नहीं जुड़े हो जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट कोई समस्या तो कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी पढ़ाई करते रहो, किसी भी मतलब एग्ज़ाम के लिए आप और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें लगे रहो, मेहनत करते रहो, डाउट्स आए तो कमेंट सेक्शन में आस्क करते रहो। बस यही चीज़ें कर सकते हैं अपन आपके लिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें समझ में ना आए कॉमेंट में आस्क करना, रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने लिए थैंक यू सो मच कैंडिडेट्स के दोस्तों के साथ में शेयर करो वीडियो, पसंद आया हो तो, नहीं आया हो तो अपने विचार को कॉमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ कैसे अच्छा किया जा सकता है। थैंक यू एंड जय।